हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पैन। अभी मैंने आपको बताया था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 15 मार्क्स ये क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, इन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म है आप सबके लिए, तो इट्स बेटर आप इसको बहुत ध्यान से सुने। तो परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो बच्चों ये क्या होता है, इट इज अ 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर। सबसे पहली बात, ये नंबर है, ठीक है, और इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 10। और वो जो 10 डिजिट्स हैं वो अल्फान्यूमेरिक है, मीन्स उसमें कुछ अल्फाबेट्स भी होंगे और कुछ उसमें नंबर्स भी होंगे। तो अगर आपके घर में पैन कार्ड पापा का होगा, मम्मा का होगा, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ लैमिनेटेड कार्ड, जैसे आपका ATM कार्ड होता है ना बच्चों, है ना, आपने डेबिट कार्ड देखा होगा, सेम उसी स्टाइल से होता है। जैसे डेबिट कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है, ऐसे ही पैन कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है। तो एक बार अपने घर पे अपने फादर का या मदर का, जो भी टैक्स पेयर है जिन्होंने भी पैन नंबर बनवाया, हो सकता है आप लोगों को भी एडमिशन के टाइम देना होता है, तो आपका अपना भी होगा, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो एक बार वो ध्यान से देखो कि उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो 10 डिजिट्स लिखे होंगे, वो डिजिट जो 10 डिजिट्स होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होंगे, सॉरी, ठीक है। तो वो नंबर आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो एक लेमिनेटेड कार्ड होता है, एंड हु इश्यूज यू द पैन नंबर, इट हैज बीन इश्यूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। तो इसमें एवरी सेट ऑफ अ नंबर इज यूनिक टू इंडिविजुअल HUF और कंपनी, मीन्स हर इंडिविजुअल HUF और कंपनी का अपना एक अलग पैन नंबर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो पर्सन का सेम पैन नंबर हो। तो पैन नंबर एक परमानेंट नंबर है, परमानेंट मीन्स इट विल नॉट गेट चेंज, ठीक है। यानी कि आप अपना एड्रेस चेंज करो, आप अपनी रेजिडेंस चेंज करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इवन इन दैट केस आपका ये जो नंबर है दैट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन परमानेंट, इट विल रिमेन सेम। सो इट इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन योर एड्रेस, इवन दो यू मूव इन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, द पैन नंबर इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो इन केस यू हैव मोर देन वन पैन नंबर, तो वो क्या चीज है बच्चों, इलीगल है। आपके पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए, आप दूसरे पैन, दो पैन नंबर्स होल्ड नहीं कर सकते हो। तो जितने भी एग्जिस्टिंग असेसीज हैं, टैक्स पेयर्स हैं और पर्संस हैं जिनको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, ठीक है, या उनको किसी दूसरे के भी हाफ पर भी रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स डिडक्ट करना है, तो उन सबके पास एक अपना पैन नंबर होना जरूरी है, क्लियर। दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ और अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैन नंबर। उसके बाद आता है अप्लाइंग फॉर अ पैन कार्ड। अगर आप सबके पास पैन नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है और आपको लेना है तो उसके एप्लीकेशन और उसको ऑब्टेन करने के क्या क्या मेथड्स हैं बच्चों, देखो। अप्लाइंग फॉर अ पैन कार्ड में क्या होता है, सबसे पहले आप वर्किंग हो आप नहीं हो, आपकी एज, रिलीजन, नेशनैलिटी, आपके पैन कार्ड के अप्लाई करने के लिए कोई भी आपके लिए लिमिटेशन क्रिएट नहीं करती, मीन्स आपकी एज कितनी भी हो, से मतलब इवन 1 ईयर, इवन फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी वी कैन हैव अ पैन कार्ड। अब बात यह आती है कि जो न्यू बॉर्न है उसको पैन कार्ड कैसे मिलेगा, है ना, तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकता, तो उसके पेरेंट्स कर सकते हैं उसके बिहाफ पर। तो वहां पर जो साइन होंगे एप्लीकेशन में जो होगा वो उसके गार्डियन या जो भी उसके लीगल पेरेंट्स होंगे वो करेंगे, ठीक है। रीजन, आप कहीं पर भी रहते हो, ठीक है, हार्डली मैटर्स। नेशनैलिटी, आपको पैन नंबर लेना है तो लेना है, ठीक है ना। अब देखो, तो अब अगर कोई माइनर है जिसको पैन नंबर लेना है तो उसमें क्या है, वन कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एन अंडर एज माइनर इवन ऑन बिहाफ ऑफ अ न्यू बॉर्न। एप्लीकेशन इन सच केस मस्ट बी साइन बाय द लीगल पेरेंट और द गार्डियन। टू अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड वन हैज टू सबमिट द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस। आई बात समझ। अब जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एप्लीकेशन के साथ ऑब्वियसली कुछ प्रूफ्स अटैच करने होते हैं, तो आप कौन कौन सा प्रूफ अटैच करते हो, आइडेंटिटी का और रेजिडेंस का, ठीक है। आज की डेट में अगर हम मान करके चलें कि आइडेंटिटी और रेजिडेंस के क्या प्रूफ हो सकते हैं बच्चों, दी बेस्ट इज आधार कार्ड, क्योंकि अभी 2019 से गवर्नमेंट ने आधार कार्ड और पैन कार्ड के काफी रूल सिमिलर कर दिए हैं, जो भी हम अभी थोड़ी देर में अभी जैसे जैसे हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट लेट्स कम बैक टू द पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अप्लाइंग फॉर अ पैन कार्ड,
कि अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपको एक फॉर्म फिलअप करना है जिसके साथ आप आइडेंटिटी और एक अपना रेजिडेंशियल प्रूफ लगाओगे, अपनी फोटो दोगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको किस फॉर्म में अप्लाई करना है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है लेकिन उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है, और अगर उनको भी पैन नंबर लेना है तो दे विल अप्लाई इट इन द फॉर्म नंबर 49A। क्लियर। अगर आप फॉरेन सिटीजन हो तो आप किस फॉर्म में अप्लाई करोगे? फॉर्म 49AA। क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैन? पैन का पर्पस क्या होता है? तो इसका जो मेन पर्पस है इज टू ब्रिंग अ यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन की फैक्टर दैट लिंक्स एंड ट्रैक्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्सेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सच एज लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग रियल एस्टेट एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ टैक्स पेयर्स। By tracking the above, it indirectly prevents tax evasion through non-intrusive means. मतलब बच्चों कि पैन नंबर एक इकलौता जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन की फैक्टर जनरेट करना। यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक ऐसा नंबर, वो नंबर डालते ही क्या हो, आप जो अपने गवर्नमेंट अपने डेटाबेस में जब उन्होंने वो नंबर आपको इशू किया तो ये नंबर वो डालते ही आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की डिटेल्स उनके पास आ जाए, यानी कि आपने कब कितना टैक्स पे किया, आपने कब कब किस किस को कितनी कितनी पेमेंट की, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपने कितने लोन्स लिए हुए हैं, कितनी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कितना आपका बिजनेस चल रहा है। तो एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल पर्सन इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द पैन नंबर। इट एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन की फैक्टर। अब आप सोचते हो कि आपकी ये सारी डिटेल्स एक ही नंबर से गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंच जाएंगी? अब इसका एक ही जवाब है बच्चों, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पैन नंबर देना होता है, जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो वहां पर आपको अपना पैन नंबर देना होता है, जब आप टैक्स पे करते हो आपको अपना पैन नंबर देना होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय और सेल करते हो आपको अपना पैन नंबर देना होता है। तो इस तरह से जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई वो आपके पैन नंबर से रिकॉर्ड हो जाती है, और ऐसे ही आपका पैन नंबर आते ही गवर्नमेंट कैन रिट्रीव ऑल डेटा अबाउट योर सेल्फ। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वॉन्ट्स टू कीप अ चेक कि आप कहीं टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे। क्लियर। अब बात ये आती है कि हु हैज टू ऑब्टेन पैन, किस किस व्यक्ति के लिए पैन ऑब्टेन करना कंपल्सरी हो जाता है। तो देखो बच्चों, पहली बात, हर वो व्यक्ति जिसकी टोटल इनकम, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। क्लियर। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए आपको टैक्स स्लैब्स पता है, 2,50,000 इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, एंड फॉर उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं, डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, और अभी ओल्ड और न्यू सिस्टम वाला मैथड भी है जो मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है ना। मतलब मेन पॉइंट इज कि अगर कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, या फिर टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन जिसके बिहाफ पर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और उसकी आप जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपके लिए पैन एक्वायर करना मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको अपनी रिटर्न फर्निश करनी है अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 4A, तो उनके लिए भी पैन ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। तीसरी बात, कोई भी पर्सन जो कि अपना बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस की जो टोटल सेल है या टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ईयर में, प्रीवियस ईयर में 5,00,000 से ज्यादा की है, तो उसके उसके लिए भी पैन नंबर होना जरूरी है। चौथी बात, कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, ठीक है, जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कोड लेना है तो उस कोड को एक्वायर करने के लिए भी उसको वहां पर पैन नंबर कोड करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम और इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो उसका टीडीएस डिडक्ट होने के बाद उसको कोई भी पेमेंट मिलनी है टैक्सेशन डिपार्टमेंट से या कहीं से भी जहां से उसका टीडीएस डिडक्ट होता है, तो टीडीएस डिडक्शन के लिए भी तो आपको पैन नंबर देना है, तभी तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, इसके लिए जब हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वाला चैप्टर करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। Any person who is liable to pay excise duty or a producer
और अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स और रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ अ प्राइवेट वेयर हाउस इन विच एक्साइजेबल गुड्स आर स्टोर्ड एंड एन ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ सच पर्सन. तो ऐसे हर व्यक्ति को भी पैन नंबर एक्वायर करना मैंडेटरी है. क्लियर. अ पर्सन हु इश्यूज इनवॉइस अंडर रूल 57AE रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944. बच्चों वैसे तो देखो जब से GST आया है तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इतने रेलेवेंट नहीं रह जाते उसके बाद, बिकॉज अब तो GST का रूल है तो वी कैन स्किप दिस. क्लियर. अ पर्सन हु इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स, ओके ये भी उस हिसाब से निकल जाएगा. ये लास्ट पॉइंट देखो, एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू अ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच वोटिंग पैन इज मैंडेटरी. कि अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो जहां पर आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट टू कोट पैन. अब कहां कहां पर आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी होता है. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात, आप कोई भी टैक्स पे करते हो तो वहां पर आपको पैन नंबर आपको अपना कोट करना है. ठीक है, तो जब आपको पैन नंबर मिल गया तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू कोट दैट पैन नंबर इन ऑल हिज रिटर्न्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद द इनकम टैक्स अथॉरिटीज और इन ऑल द चलान्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम टू द डिपार्टमेंट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनकी कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी बातचीत होगी तो आपकी वो बातचीत, वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको आपके पैन नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं. तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जहां पर पैन को कोट करना मैंडेटरी है. आपको कोई मोटर व्हीकल जो टू व्हीलर ना हो, अदर देन टू व्हीलर, कोई फोर व्हीलर, कोई कार, कोई ट्रक, कोई बस, कुछ भी ऐसा परचेज करना है तो यू नीड अ पैन नंबर. आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आप किसी होटल में गए, ठीक है, और आपने वहां पर स्टे किया और आपने जब वन टाइम पेमेंट बिल की तो वो बिल की पेमेंट 50,000 से ज्यादा हुई तो भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा वहां पर अपना. आपने फॉरेन कंट्री विजिट किया, वहां पर आपका 50,000 से ज्यादा का खर्चा आया, आपने कैश पेमेंट की तो भी आपको वहां पर पैन नंबर देना पड़ेगा. जहां पर आप कैश पेमेंट कर रहे हो मोर देन 50,000 लेकिन आपने इन रिटर्न आपने पेमेंट किस लिए कर रहे हो, आपने म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर या बॉन्ड्स बाय किए हैं तो भी आपको अपना पैन नंबर पुट करना पड़ेगा. अगर आप बैंक में एक ही दिन में एक ही समय पर 50,000 रुपए कैश डिपॉजिट कराते हो मिनिमम या उससे ज्यादा कराते हो तो भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा. ठीक है, उसके अलावा वन डे परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, आप एक दिन में कोई बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो जिसकी पेमेंट 50,000 से ज्यादा है तो भी आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा. आप FD करा रहे हो, ठीक है, और वो FD का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो भी आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा. उसके अलावा आप कोई भी कैश पेमेंट कर रहे हो 50,000 की किसी भी पार्टी को, ठीक है, मोर देन 50,000 इवन 50,000 है तो भी, ठीक है, इसको कंसीडर करके चलो. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 49,000 का लोग करते हैं, 50 का इसीलिए करते ही नहीं है. ठीक है, पेमेंट ऑफ बट करना चाहिए, आप जेन्युइन करो, देयर इज नो प्रॉब्लम. पेमेंट ऑफ मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो वहां पर भी आपको पैन नंबर देना है. सेलिंग और बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, तो अगर आपने कोई शेयर बाय सेल किए हैं जिसकी ट्रांजेक्शन 1 लाख से ज्यादा है, आपने कोई सेल एंड परचेज ऑफ अनलिस्टेड कंपनी किया है और वो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट आपको 1 लाख से ज्यादा का है, आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है जो कि 10 लाख से ज्यादा की जिसकी कॉस्ट है, सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एनी नेचर अदर देन दोस स्पेसिफाइड अबव फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख पर ट्रांजेक्शन. क्लियर, तो किन किन लोगों को पैन नहीं लेना है, पैन नंबर किन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, दे आर एग्जेम्प्ट. तो वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.